जब भी विराट कोहली और गौतम गंभीर आमने सामने होते हैं तो फाइट होना तय है। पहले बेंगलुरु में देखने को मिला था विराट और गंभीर की फाइट, अब कल के मुकाबले भी लखनऊ सुपर जायंट्स के होम ग्राउंड में गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में काफी गर्मा गर्मी देखने को मिली। आप सबको बता दे, पहले अमित मिश्रा से गर्मा गर्मी देखने को मिली थी विराट कोहली की बीच मैदान में, जब अमित मिश्रा बल्लेबाजी कर रहे थे। इस लड़ाई को तो सुलझा लिया था एम्पायर ने अमित मिश्रा और विराट कोहली का बीच का। विराट कोहली की ऐसे हरकत से बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहे थे दगआउट में बैठे गौतम गंभीर। मैच खत्म होने के बाद ऐसा हुआ, आप भी देख के चौंक जाओगे, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। विराट कोहली की ओर से तो खत्म हो गई थी, लेकिन गौतम गंभीर के उधर से अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे एक दूसरे के साथ खिलाड़ी लोग हाथ मिला रहे थे, गौतम गंभीर और विराट कोहली ने भी हाथ मिलाया, लेकिन कायल मार्श और विराट कोहली के हाथ मिलाने के बाद ये दोनों खिलाड़ी आपस में बात कर रहे थे। पीछे से आते गौतम गंभीर कायल मार्श का हाथ खींच के दगआउट में लेके जा रहे थे, लेकिन विराट कोहली को आ जाता है गौतम गंभीर में गुस्सा। इन दोनों के बीच में ऐसा जंग छिड़ता है फिर तो, यहाँ तक कि हाथापाई भी हो सकती थी विराट कोहली और गौतम गंभीर की। अन्य खिलाड़ी इन दोनों खिलाड़ी को इधर उधर नहीं करते तो कल के मुकाबले में हो सकता था बहुत ही बड़ा अनर्थ। दोनों भारतीय खिलाड़ी लड़ सकते थे आपस में। विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई अभी की नहीं है। जैसे बेंगलुरु में एलएसजी और आरसीबी के बीच में मुकाबला खेला गया था, विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई की फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। अब एक बार फिर गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में छिड़ गई है जंग। आरसीबी तो ये मुकाबला जीत गया, लेकिन विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई देखने को मिली कल के मुकाबले में भी। आपके हिसाब से किसकी गलती है, गौतम गंभीर या विराट कोहली की? नीचे कमेंट में जरूर बताएं आपकी राय।